हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी पॉइंट चैनल। सो आज मैं आपका भीमराव अंबेडकर कॉलेज के बारे में बताऊंगी, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर आता है। काफ़ी बच्चों को ये ज़्यादा परेशानी रहती है कि कौन से कॉलेज में एडमिशन्स ले, कौन से में ना ले, कौन से कॉलेज की प्लेसमेंट अच्छी है, कौन से की नहीं है। ठीक है, सबको ज़्यादा ये परेशानी रहती है, तो मैं आपको बताऊंगी क्योंकि मैं खुद इस कॉलेज की पढ़ी हुई हूँ। इस कॉलेज की प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि ये फेमस है। वैसे प्लेसमेंट अगर मैं देखे जाएगी, ऐसा नहीं कह रही मैं कि बीकॉम के लिए तो वैसे कॉलेज ज़्यादा फेमस है इसकी प्लेसमेंट के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि बीए के लिए नहीं है, बीए के लिए भी इसकी प्लेसमेंट है। कुछ चीज़ होती है फेमस होती है, तो ये बीकॉम वाले बच्चों के लिए ज़्यादा है। बीकॉम ऑनर्स या प्रोग्राम के लिए प्लेसमेंट इन्हें अच्छी मिल जाती है। ठीक है, और जो हमारे कॉलेज की सबसे अच्छी पहचान ये है कि जो फेमस है, जो मतलब ज़्यादा होता है कि किस चीज़ की फेमस होता है, तो इसमें यही है कि इसमें कैंटीन, हमारी लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा अच्छी है इस कॉलेज की, तो इसलिए फेमस बहुत ज़्यादा है ये। क्योंकि जो इसकी जो लाइब्रेरी है बहुत बड़ी है, एकदम हवादार टाइप है, तो काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी। आप जाओगे देखोगे तो एडमिशन लोगे पता लगेगा आपको। और इस कॉलेज में सबसे अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या है कि एक अलग सा फ्लावर होता है कि जल्दी से जो नहीं मिलता है, वो फ्लावर जल्दी नहीं मिलता है। और हमारे आपको पता है DU में कितने कॉलेज है, तो उस कॉलेज में सबसे नंबर जो इस जो फ्लावर मिलेगा आपको वो इसी भीमराव अंबेडकर कॉलेज में ही मिलेगा, जो कि सर फ्रेशर्स को स्पेशली बताते हैं कि वैलेंटाइन डे के दिन बिल्कुल इस फ्लावर को नहीं तोड़ना है। तो तुम्हें सबको बताया जाएगा, हमें बताया गया था, तो आप लोग भी ध्यान रखना है कि बिल्कुल फ्लावर मत तोड़ना। और जो हाँ, और ये होता है कि कुछ कॉलेज होते हैं कि हरियाली नहीं होती, इस कॉलेज में आप देखोगे हरियाली आपको दिख रही है, पिक्स देख रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा हरियाली है। बिल्डिंग नहीं बनी है, तो बिल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है, न्यू बिल्डिंग बनी है, क्लासेस बहुत अच्छी है, और फेस्ट वगैरह होते हैं नॉर्मल, वैसे सब कॉलेज में ही होते हैं। तो मतलब कि ओवरऑल पूरा कॉलेज अच्छा है, अगर आप बेफिक्री इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जिम की मशीन भी आ गई कॉलेज में, अब तो जिम भी बच्चे करो, नहीं मतलब जो नहीं कर पाते यहाँ पे करो। ठीक है, तो थैंक यू।